किताबों की तबीर किस हद तक परस्यू करनी चाहिए, या जैसा किताबें मिलते हैं जिनमें ख्वाबों की गाइडलाइन दी गई ख्वाबों है? की ताबीर के मतलब जो ताबीर रोया की कुतुब हैं, तासीर अनाम, उसमें बहुत अच्छी किताब है। उन किताबों में से इन्होंने हर किस्म के रोया, उनकी सबका बुजुर्गों की ताबीरों के हवाले से बयान किए हैं, और उनमें से बाज़ ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत ही उम्दा उसूल मुरतब किए हैं, और उनके ताबीरों के उसूल अगर आप ज़हन नशीन रख लें तो आपके लिए ताबीर समझना में काफ़ी सहूलत हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद मैकेनिकली ताबीर नहीं समझी जा सकती, इम्पॉसिबल, क्योंकि जिन ज़राए जिन अलामतों के साथ खुदा ताला ने पहलों को पैगाम भेजे हैं, लाजिम नहीं कि वो उन्हीं का पाबंद रहे। हज़ार नए ज़राए इख्तियार फरमाता है, और ये एक तभी कानून है जिसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। खुदा का नए नए हवालों से पैगाम भेजना इंसानी फितरत के तनवो का तभी तकाजा है। हर इंसान के अंदर जो उसकी साइकिक मशीनरी है उसी के हवाले से खुदा ताला पैगाम भेजेगा, और वो एक है ही नहीं, बेशुमार रुझानात का फर्क है, अलग अलग सोचें, अलग दिलचस्पियाँ, अलग खौफ। तो उसको जो पैगाम डिलीवर किया जाएगा उसकी अंदरूनी जुबान में पैगाम डिलीवर किया जाएगा। इसलिए ये ख्याल कर लेना कि वो सारी ताबीरें पहले से लिखी जा चुकी हैं, ये हो ही नहीं सकता, गलत बात है। हाँ, रहनुमा असूल जरूर मिलते हैं, और अगर वो उन किताबों का मुताला करें, अंग्रेजी में तर्जुमा हो चुका है उसका, तफ़सीरुन्नाम का, अच्छी किताब है। ठीक है, ज़हूरे महबिये आखिर।